फ्रेंड्स, आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ मैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अप्रेंटिस ट्रेनिंग का एक्चुअली यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड क्या क्या पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और अभी जो 23rd, 29 एंड 21st का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप करते रहें। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उस वैकेंसी में DFCCIL में या फिर ECESL में या फिर पावर ग्रिड में, तो प्रिपरेशन करते रहिए। और मॉक टेस्ट के लिए online.debitguru.com पे जरूर विजिट करिए। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 15 नंबर सीरियल में है अकाउंटेंट का, जहाँ पे नंबर वैकेंसी 2 है। उसके बाद 20 पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस अकाउंट्स का, जहाँ पे नंबर वैकेंसी 4 है। ये जो CS है ये कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, तो उसको आप कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे ना समझें। तो ये दो पोस्ट है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको कोई स्पेशल फ्रेंड रिलेटिव्स हैं तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो वैकेंसी है ये ओनली फॉर चेन्नई में, मतलब चेन्नई की जो में कंपनी है उसके लिए है। तो आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो ही अप्लाई करें यहाँ पे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या है वो देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 नंबर पोस्ट कोड को देखते हैं। अकाउंटेंट के लिए BCom पास मांगा गया है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 20 नंबर सीरियल फाइनेंस अकाउंट्स का, तो CA, CMA, MFC, MBA फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये सारे क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CA या CMA इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। सो उसका ध्यान रखिएगा, उसके जगह आप BCom पे अप्लाई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है फॉर ऑल ट्रेड्स कोड, यानी सभी के लिए है ये, कि जो भी आपने डिग्री या किया हुआ है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। लाइक BCom में भी आपका 50% जनरल, EWS और OBC के लिए, एंड ओवरऑल परसेंटेज 45% फॉर SC ST PWD। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है, BCom जो पास लिखा है वहाँ पे आपका 50% होना चाहिए। और CSEMA का तो 50% पे ही पास होते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, मिनिमम 18 ईयर्स का रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 24 ईयर एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो ये आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। बाकी आप कास्ट रिलेशन रिलैक्सेशन जो है आपको वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, जो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर SC ST एंड 3 ईयर्स का OBC मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइफंड की नेक्स्ट बात करते हैं, पैसा कितना मिलेगा। तो ट्रेड कोड यहाँ पे बताया गया है 9000 मिलने वाला है आपका 13 to 20। इसमें दोनों ही आ जाता है, अकाउंटेंट का जो BCom पे है और आपका फाइनेंस अकाउंट जो CA CMA MBA फाइनेंस PG FM पे है, ये सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पे। और पीरियड ऑफ अप्रेंटिस की बात करें यहाँ पे, तो सारा जो है आपका 12 मंथ्स का होने वाला है यहाँ पे। और ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, अब आप डिसाइड करिए कि आपको करना है नहीं करना है आपके रिलेटिव में किसी को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मोड ऑफ सेलेक्शन क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द सेलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव ITI ट्रेड एंड डिग्री। सो आपके क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे, यानी आपने कितना परसेंटेज आपका है आपके ग्रेजुएशन में या CA CMA MBA फाइनेंस या फिर PG FM में, उस बेस्ड पे आपका यहाँ पे सेलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका परसेंटेज बेस्ड होने वाला है। सो जो फॉर्म है आपका यहाँ पे ऑनलाइन है, इस ऑनलाइन फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं midnight 1 November 2020 है और स्टार्टिंग डेट 18 अक्टूबर 2020 है। बाकी नॉर्मल जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है, उसे आप पढ़ लीजिएगा और अप्लाई करने से पहले। तो ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दो पोस्ट हैं अकाउंटेंट एंड एक फाइनेंस अकाउंट्स के लिए है। सेकेंड है BCom पास कर अप्लाई कर सकते हैं, CA CMA सारे फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे है डायरेक्ट आपका परसेंटेज बेस्ड है, जितना मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उसमें। थर्ड यहाँ पे पोस्टिंग आपका चेन्नई में है। फोर्थ यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई अप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। तो ईजिली आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आप देखिए कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, पहले आप अप्लाई कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।